करौली में लोकगीतों का प्रचलन बड़े खास मौकों पर गाया जाता था, परंतु टीवी, इंटरनेट, मोबाइल के आने से यह लोकगीत अपना अस्तित्व खो रहे थे। होती है अस्तित्व को बचाने के लिए करौली के सिटी पार्क में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। करौली जिले के लोकगीत जो है हमारे सभी समाज के, जैसे कि मीणा समाज के, गुर्जर समाज के, माली समाज के, चतुर्वेदी समाज के, ये सभी जो है भागोत्सव के, होली के टाइम गाए जाते हैं। दूसरे तरह तरह के मतलब मौसम के हिसाब से भी हम लोगों ने रचनाएं देते हैं, जिनका महत्व अलग अलग धार्मिक संस्थाओं कथाओं से जुड़ा हुआ होता है। हम लोगों ने यहाँ पर करौली जिले के अंदर पहला भागोत्सव 2012 के बैनर तले यह प्रोग्राम रखा है, जिसके अंदर में सामाजिक समरसता, प्रेम सौहार्द और जिले के लोकप्रिय लोकगीतों को बढ़ावा देना है। क्या कारण है कि जो ये लुप्त हुए? इनका मुख्य कारण है, एक तो इनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है, नई पीढ़ी को जो बच्चे पढ़ते हैं उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है अपने कंपटीशन से और पढ़ाई से कि इनमें रुचि ले सके। फिर अपने मनोरंजन के लिए उन्होंने टीवी है, क्रिकेट है, इस पर उनका ध्यान केंद्रित हो गया है। ये जो लोकगीत लुप्त हो रहे हैं उसके लिए क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कला जत्था तैयार करने चाहिए, इन्हें लोकगीतों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर इनका आयोजन करवाना चाहिए और जो गाने वाली टीम है उनको पुरस्कृत करना चाहिए, उनको हौसला अफजाई करना चाहिए, उनके लिए वाद्य यंत्र देने चाहिए जिससे ये आगे लुप्त ना हो सके। तो कोई सरकारी प्रश्न नहीं है, एक गुलाबी देवी पर करोड़ों खर्च करके उनको देश विदेश से स्पॉन्सर कर दिया जाता है। एक जैसलमेर का वो जो भी वादक है, अगर इस बजट को हम इक्वली सब जिलों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर बजट भी ना दें, केवल कला और संस्कृति विभाग इन इन जिलों में केवल प्रश्न दे दे, जैसे आज हम प्रशंसा करते हैं, कलेक्टर साहब, एसपी साहब दोनों आए, सीआरओ साहब आए और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि जिला जन्मोत्सव पर यानी 19 जुलाई को हम बाहर से कोई टीम नहीं बुलाएंगे, हम इन्हीं टीमों को प्रोत्साहन देंगे। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहद के लिए।